9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन हो चुका था। अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी जी संघर्ष के उस दौर में भारत को जानने, देश की समस्याओं को महसूस करने के लिए पूरे देश की अनथक यात्रा पर निकल पड़े। उनकी इस यात्रा में एक पड़ाव आता है, बिहार का चंपारण जिला, जहां के किसानों को ब्रिटिश हुकूमत जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रही थी। नील की ये खेती किसानों के खेतों के साथ उनके भविष्य को भी निगल रही थी। महात्मा गांधी इन किसानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए। इन किसानों की दुर्दशा दूर करने के लिए गांधी जी ने भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो आगे चलकर इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। अंग्रेजों के तानाशाही फरमान के विरुद्ध गांधी जी ने सक्षम वकीलों की टीम गठित करके चंपारण के लोगों को एकजुट किया। शिक्षा और आर्थिक रूप से मजबूती के लिए आत्मनिर्भरता का प्रचार प्रसार किया। धीरे धीरे चंपारण सत्याग्रह लोगों में अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। अंग्रेज हुकूमत गांधी जी से निपटने के लिए हर हथकंडे अपना रही थी, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि सत्य और अहिंसा के इस पुजारी से हथकंडों के बल पर निपटना संभव ही नहीं था। अंततः महात्मा गांधी भारत भूमि पर अपने पहले सत्याग्रह में सफल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को नील की खेती का फरमान रद्द करना पड़ा। भारत भूमि पर पूज्य बापू के पहले सत्याग्रह की सफलता के पीछे बिहार की माटी और अस्मिता का कमाल था, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। फिर भी अगले एपिसोड में हम चंपारण सत्याग्रह की सफलता में पूज्य बापू और बिहार की एकरूपता, एकजुटता, संघर्ष, त्याग और कौशल से रूबरू होंगे। जय हिंद।